आपने पूछ रहे हैं कि महोदय और अन्य गणमान्य व्यक्ति माननीय नरेश कौशिक जी जाए हल्का बहादुरगढ़। तो एक बार मंच पर हमारे विधायक महोदय पहुंचे हैं, कुछ उदासन ताली नहीं मिली भाई। अरे भाई पात्रों के विधायक हमारे भगवे रंग में हैं, यस एक बार जोर तालियों के साथ बहुत खूब। भारत माता की जय, गौ माता की जय, वंदे वंदे। आज के मैन बाजार के इस रंगारंग राजगिरी प्रोग्राम में मन को उपस्थित एम जी जगनवाल जी, डीडीएम साहब, तहसीलदार साहब और जो मन संचालन कर रहे भाई सुधीर भारद्वाज जी, तमाम प्रशासनिक अधिकारीगण व सभी स्कूलों से यहां पहुंचे हुए सम्मानित अध्यापकगण, सभी अभिभावकगण, सभी महानुभाव और मेरे देश का उज्ज्वल भविष्य, मेरे प्यारे बच्चों, माता शक्ति और साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको आने वाली दीपावली की शुभकामनाएं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। मां महालक्ष्मी आपके घर में उपस्थित हो, आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। आदरणीय साथियों, राहगिरी का बहादुरगढ़ में ये छठा प्रोग्राम है और ये सरकार ने एक नई पहल माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में की। आज से पहले किसी भी सरकार में इस तरह का आयोजन नहीं होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रहित की पार्टी है और आज पूरे विश्व का लोकप्रिय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने देश को एक महान ताकतवर देश बनाने का काम किया। आज हमारा देश सभी देशों से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हमारा देश ताकतवर हुआ है और एक संदेश पूरे विश्व में देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसी तरह हम 36 बरादरी के भाई सामाजिक समरसता बढ़ाते हुए हमारा देश किस तरह से उन्नति करे, हमारा प्रदेश किस तरह से उन्नति कर सके और हमारा हलका पूरे हरियाणा प्रदेश में 90 हलकों में किस तरह से अग्रणीय हलका बन सके, ये तभी संभव जब हम सब के सब मिलकर सामाजिक समरसता के साथ 36 बिरादरी के भाई मिलकर अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी प्रतिभा को उभारने का काम जिस तरह से राहगिरी प्रोग्राम में किया जा रहा है, ये बधाई के पात्र है। और इससे मैं जिन स्कूलों ने यहां पार्टिसिपेट किया है उनका भी विशेषकर धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इससे हमारे जो युवा, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, खासकर गवर्नमेंट गर्ल स्कूल का हमारी बहन जी यहां बैठी है, अच्छी टीम तैयार की है और भी जो स्कूल आए, मैं सबको दोबारा से शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय जी का, इतने अच्छे संदेश से हमें यहां पे अतिभोर कर दिया है विधायक महोदय ने, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां पे उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का हम धन्यवाद करते हैं और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की हम अनुमति चाहते हैं विधायक महोदय से।